लोकसभा चोणां च करारी हार तो बाद यूपीए का 10 सालों का शासन खत्म हो गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति भवन पहुँच के अपना अस्तीफा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंप दिया। अस्तीफा सौंपने तो पहला प्रधानमंत्री ने देश को आखिरी बार संबोधन किया। अपने संबोधन के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चोन नतीजों बारे कहा कि वह जनता के फैसले का सन्मान करते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज कहा कि उन्होंने देश की सेवा करने लिए अपने वालों सब तो वधिया करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 साल का कार्यकाल खुली किताब है। देश को संबोधन करदिया उन्होंने कहा कि चोणों में जनता ने जो फैसला दिता उसका सन्मान होना चाहिए। उन्होंने आगामी सरकार की सफलता की भी कामना की। वासियों, आपने जो फैसला दिया है हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर माने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूं, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं, जिनका फायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाते हुए हमारा देश दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकता है। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। जय हिंद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।